महीने दे विच हफ्ते दे विच चार दिहाड़ियां लगदियां पांच दिहाड़ियां लगदियां छे लगदियां होर ही अखराजात हैं बिजली दे बिल हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके गरीब लोगों को कोई ऐसी दवा दें जिससे ये ख़त्म हो जाए मर जाएँ। आप अकेले सियासत करते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन मलिक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल द पब्लिक शो। सो हियर वी आर बैक टू द न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है उसमें मज़दूरों की आवाज़ को हम बुलंद करेंगे, ऐसी महंगाई में जो मज़दूर हैं वो अपना पेट कैसे पाल रहे हैं, वो कैसे अपने अखराजात जो हैं पूरे कर रहे हैं। जैसा कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कुछ सब्सिडी नहीं दी गई, ये सब जानेंगे आज हम मज़दूरों से। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। असा इस हुकूमत के बड़े शुक्र गुजार हाँ कि गरीब आवाम नू एक एक टीका लाया वजे मौत का, या इन्हों एक एक गोली दी जाए जड़े बिल्कुल अपने आप खत्म हो वजन। होर कोई जरिया नहीं इस हुकूमत का। तीन बजे ताई दो बजे ताई मजदूर लेबर इतने चौंका से बह बह के घर वापस लगी वी। महंगाई के असरात इतने बढ़ चुके हैं कि किसी चीज़ से दिल काबू नहीं आता कि 15 रुपए की लै लवा 100 की लै लवा। आटा तो वेख लो अगे सन कंट्रोल रेट से मिलता रहा, मतलब जितनी रुपये साढ़े को लोन अस लै लें अस हूँ आटा साढ़े 400 का गट्टू है तो दिहाड़ी लगती 300 की अस आटे का गट्टू कितों लवीए। महीने के हफ्ते के चार दिहाड़ियां लगदियां पांच दिहाड़ियां लगदियां छे लगदियां होर ही अखराजात हैं बिजली के बिल हैं आटा है दुध है बालन है गैस का बिल है। अस कितों हालात पूरे करिए। दुकानदार तो सौदा महंगा बेच के तो गुजारा कर सकते हैं लेकिन गरीब आवाम कितों गुजारा करेगी। रमज़ान शरीफ का महीना जब से आया है ना तकरीबन 5-6 दिन लगते हैं महीने में, 2-3 बजे तक बैठे रहते हैं, शाम को घर वापस चले जाते हैं। महंगाई इतनी है कि उसका रूज है, कोई चीज़ नहीं मिल रही है। बक्के बच्चे हमारे पूछे घर में कोई चीज़ ऐसे अफाक्या हो गए हैं कि घर में कोई चीज़ खाने को मिलती नहीं। घर जब जाते हैं तो बच्चे कहते हैं अबू कोई चीज़ लेकर आए हो पैसे लेकर आए, कोई चीज़ भी नहीं है। महंगाई इतनी आटा इतना महंगा हो गया, चीनी देख लो 100-120 रुपये किलो है, घेव देख लो 450-500 रुपये का किलो है, आटा देख लो 450-500 रुपये का 10 किलो का थैला मिल रहा है। अब देखिए ना को आवाम का हमारा हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ मिल रहा है ना हमें कोई MNA MP हमें अब पूछता ही नहीं। सिर्फ इलेक्शन के दौर में आते हैं वोट लेकर चले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। हमें आ रही वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ से यही अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करके गरीब लोगों को कोई ऐसी दवा दें जिससे ये ख़त्म हो जाए मर जाएँ। आप अकेले सियासत करते रहें आपका कारोबार चलता रहे। लिहाजा आपसे हमारी अपील है कि कोई अगर देना चाहें तो गरीबों को कोई ऐसा रिलीफ दें। रमज़ान शरीफ का महीना है, कोई जो भी दुकानदार है अपनी मनमानी कर रहे हैं, आप सब भी अपने रेट लगा रहे हैं, कोई गरीब को पूछने वाला नहीं। आप देखें क्या करें, हम किधर जाएं। मैं तो कहता हूँ इनकी 1500 रुपये दिहाड़ी होनी चाहिए, बल्कि माहाना 45,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। आपका हुकूमत से मुतालबा है कि इनकी दिहाड़ी की जगह इनको तनख्वाह 45,000 रुपये इनकी मुकम्मल तनख्वाह कर दें एक माह की, बिल्कुल कोई छुट्टी ना हो। बेचारे की छुट्टी हो जाए 10-10 दिन। यहाँ मैं तो रोज़ाना आता हूँ इस जगह पे, तो देख तो एक एक मज़दूर को 10 दिन खड़े रहते हैं बेचारे यहाँ पे, इनको काम नहीं मिलता। अगर कोई ले भी जाता है तो कम पैम पे ले जाके, कोई 600 पे ले जाता है, कोई 700 पे, लेकिन मेरे ख्याल से इनकी 1500 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, 45,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये गरीब बंदे वास्ते ना कोई वेखो ना, कोई राशन को नहीं दे रहा, ये चीज़ा को नहीं दे रहा। गरीब बंदा मजदूर किसी की दिहाड़ी कभी लगी कभी नहीं लगी, इन्होंने काम में भाई आवना चाहिए, कौंसल वाले का काम है, DSP का काम है, चलो गरीब बंदे कोई शायद इतनी देनी चाहिए इन्होंने काम है। अल्लाह को मंगते हैं सारे लोग जी, किसी की दिहाड़ी गरीब लगी कभी नहीं लगी, वापस चले जाने गरीब किराए भरते आने, कोई रोड तो आता पाया, कोई कदम आता पाया, इन्होंने काम है भाई, इन्होंने खिदमत करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जान। भाई जान मजदूर तबका फाड़े चौक के मजदूर करें काफ़ी, तकरीबन 30-35 मजदूर करें, बेरोजगारी बड़ी है तो घर का सर्कट ही नहीं चल सकता भाई। साड़ी इमदाद नहीं कर रहा, इमरान खान तक की जी की हूँ वजीर आजम नवा आया आए, कोई गरीब के बारे कोई सोचे भाई साड़ी कोई इमदाद करे। यूनियन कौंसल का कोई मैंबर जरा वही नहीं कर रहा, कोई साड़ नहीं इमदाद कर रहा, कोई जोराबाद बंदा ऐसा नहीं है कि जोड़ा साड़ी इमदाद करे। अभी शाम सुबह आने शामी जाने साड़ी बेरोजगारी बड़ी है, साड़ी इमदाद नहीं हो रही, पर मेहरबानी अभी अपील करें कि साड़ी इमदाद की बने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या नाम है आपका? सती खान भाई। ये बताएं कि रमज़ान चल रहा है,
और आप लोग मजदूर लोग जो हैं यहाँ पे मजदूर चौक में बैठे हैं, काम लग रहा है कि नहीं लग रहा? कोई नहीं लगता पाया, बच्चे भूखते पे मरते, रोजे रखते पाया, तो शामी सारी तो बड़ा औखा होता। सर ये बताएं कि कैसे आप अपने अखराजात जो है वो पूरे कर रहे हैं? आप तो यहाँ बैठे हैं लेकिन घर वाले आपके घर बैठे होंगे, जाहिर बात है वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे स्वामी से? बस मुँह शर्मिंदा करते घर पहुँच पे, कोई शायद नहीं, कभी आटा को नहीं होती, कभी चीनी नहीं होती, कभी घी नहीं होता, घी 600 तो किलो है, 600 किलो तो मिलता पा, चीनी 200 तो किलो मिलता पा। कितने दिन हुए हैं यहाँ पे आते हुए और कितनी अभी तक दिहाड़ियाँ लग चुकी हैं आपकी? महीने में 2 दिहाड़ियाँ लगती हैं सर बस। इस रमज़ान के महीने में यहाँ पे कोई आया नहीं आपके इमदाद के लिए, आपको कोई राशन वगैरह देने के लिए? कोई नहीं आया इमदाद के लिए, बिल्कुल नहीं। जोराबाद से कोई या खुशाब से MPA MNA की तरफ से कोई राशन नहीं दिया गया? कोई राशन नहीं दिया गया ना, कोई बात पूछी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम शबीर है। सर ये बताएं कि कितने दिन से यहाँ पे आ रहे हैं और रमज़ान में आपको कोई राशन वगैरह दिया गया यहाँ पे किसी कोई MNA की तरफ से? कोई शेयर नहीं मिली जी। जी तो नाज़रीन आपने आज की वीडियो देखी, आपने हमारे मजदूर जो लोग हैं उनके जज्बात भी सुने। मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अक़वामे बाला तक ये बात पहुँचे और वो इस बारे कुछ सोचें। मज़ीद ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।